हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वार सेटी। और आज के वीडियो में हम देखेंगे मेटल स्लग को हम PPSSPP एमुलेटर पे मल्टीप्लेयर कैसे खेल सकते हैं। तो मेटल स्लग PSP गेम्स है जो कि हम एंड्रॉयड भी खेलते हैं एमुलेटर का यूज़ करके। तो देख रहे होंगे मेरे पास दो एंड्रॉयड हैं, तो एक में हम इस पर हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हैं, किसी एक में कर लेते हैं। चलिए इसमें ऑन है, इसका हॉटस्पॉट ऑन करके मैंने इसका वाईफाई ऑन करके इसके हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर लिया है। देख लेते हैं, ये हाईफाई वाईफाई ऑन है और इसके हॉटस्पॉट ऑन करके हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए कनेक्ट हो रहा है, ऑब्टेनिंग एड्रेस, और यहाँ कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए इन दोनों में ये तो हो गया, इसका हमने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया और इसके वाईफाई ऑन करके हमने इसके हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर लिया। तो अब PPSSPP एमुलेटर मैंने दो एंड्रॉइड में डाल रखा है, उसको ओपन कर लेते हैं। तो गेम शुरू करने से पहले हमें कुछ एमुलेटर पे सेटिंग करनी होगी, तो पहले हम सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी। ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी है मोड, आपको मोड यहाँ बफर रेंडरिंग रखना है। अगर आप इसकी बफर इफेक्ट लगा देंगे तो इसमें वीडियो गेम में डिस्प्ले आने में प्रॉब्लम होगी, कुछ फ़ोनों में आ सकती है, कुछ में नहीं आएगी। तो यहाँ मोड बफर रेंडरिंग आपको रखना है। तो यहाँ पे बस केवल यही सेटिंग है। नेटवर्किंग में जाएंगे, नेटवर्किंग में इनेबल नेटवर्किंग WLAN को हमें इनेबल कर देना है। आपका डिसेबल होगा आपको इनेबल करना है, और यहाँ IP एड्रेस आपको डालना है 192.168.43.1, और इनेबल बेल्ट इन प्रो एंड एडहॉक सर्वर को आप यहाँ चेक कर दीजिए। इसमें हम किसी एक एंड्रॉयड में इसको चेक करेंगे, या तो इसमें कर लें या तो हम इस वाले में कर लें। तो हम मैंने इसमें कर दिया है, और मैक एड्रेस आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। पोर्ट ऑफसेट यहाँ पे आप 5000 सेट करिएगा, 5000। तो यहाँ पे हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब सिस्टम में थोड़ा जाते हैं, सिस्टम में आपको यहाँ पे IO टाइमिंग मेथड यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको होस्ट लगाना है, आपको फास्ट लगा होगा, आपको होस्ट यहाँ इनेबल कर देना है। तो इसमें हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब चलिए दूसरे वाले में हम सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी, यही सेम सेटिंग करेंगे। इसमें सेटिंग में गए, यहाँ पे मोड को हम बफर रेंडरिंग मोड पे सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ फिर नेटवर्किंग में गए, नेटवर्किंग में यहाँ इनेबल इसको कर दिया, नेटवर्किंग WLAN को, और वही IP एड्रेस डाल दिया 192.168.43.1। और यहाँ मैंने कहा था किसी एक एंड्रॉयड में इसको चेक करना है, तो मैंने उस वाले में कर दिया, तो इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैक एड्रेस डिफ़ॉल्ट रहेगा, चेंज करने की जरूरत नहीं है। पोर्ट ऑफसेट यहाँ भी 5000 ही रखिएगा। यहाँ सिस्टम में और जाते हैं, यहाँ पे IO टाइमिंग मेथड को आप होस्ट लगा दीजिएगा। तो दोनों एंड्रॉयड में हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब चलिए हम गेम प्ले करते हैं, इसमें गेम प्ले करते हैं, इसमें गेम प्ले करते हैं। कंटिन्यू मेन मिशन दोनों में चेक करते हैं। यहाँ हम नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ नेटवर्क जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ एक होस्ट क्रिएट करेंगे, होस्ट क्रिएट करेंगे एंड नॉर्मल, यहाँ एक होस्ट क्रिएट हो गया। अब हम इस वाले मोबाइल में ज्वाइन करवाएंगे, नेटवर्क में जाएंगे, आए ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गया PPSSPP का, इसका होस्ट का यहाँ पे आ गया। तो हम इसको ज्वाइन करते हैं, एक बार एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, इसमें प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, प्लेयर सेलेक्ट हो गए। अब ये देखिए हमारा गेम शुरू हो गया, और डबल प्लेयर आ चुके हैं, देखिए आप। ये देखिए इसका प्लेयर आगे बढ़ रहा है, ये इससे बढ़ रहा है। लेते हैं एक में खेल के, इसके डबल प्लेयर है, वन पी और 2P दिखा रहा होगा आपको। तो ये हम बड़ी आसानी से पे खेल सकते हैं मल्टीप्लेयर मोड पे, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें, और कोई स्क्रीन भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, गेम ब्रेक भी नहीं होता है। तो बढ़िया है आपका इस पे, अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें खेलने के लिए, खेलना है मेटल स्लग XX को मल्टीप्लेयर मोड पे अपने दोस्तों के साथ, तो खेलिए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।